हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए और बेहद खूबसूरत ब्लॉग के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज के दिन की और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज मैं दिखाती हूँ आपको अपने पहाड़ों का मौसम किस तरह से हुआ है। कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी तो आज तो धूप आई है, लेकिन धूप है धुंध भरी, काफी धुंध छाई हुई है। आज है अक्षय तृतीया, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब जो कभी समाप्त न हो उसको अक्षय कहा जाता है, जिसका क्षय न हो। तो अक्षय तृतीया की तिथि ऐसी तिथि है, ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन द्वापर युग का अंत हुआ था। तो बहुत ही शुभ ये तिथि मानी जाती है। आज श्री हरि नारायण भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज के दिन को बैसाख का धनतेरस भी कहा जाता है। तो आप सभी को इस तिथि की हार्दिक बधाई और शुभकामना। रोज अब ज़्यादा किलमोड़े पकने लग गए हैं, ये बहुत सारे इस टहनी में किलमोड़े पके हुए हैं। आज मैं जा रही हूँ यूटिलिटी में बैठकर घर की तरफ। आज मेरे साथ हैं ये, साथ में है प्रदीप। आज प्रदीप के साथ जा रहे हैं हम अपने गाँव, देखते हैं क्या करने जा रहे हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बारिश हो रही है सर, रोड बहुत गिल हो रहा है और रास्ते घने घने पेड़ों से गाड़ी काफी हिल रही है, मेरी आवाज की पब्लिंग कर रही होगी। घने घने पेड़ों के बीच से जा रहे हम लोग अपने घर की तरफ। बारिश होने से ना यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। कल बहुत ज्यादा बारिश हुई है इधर, क्योंकि रोड में दिख रहा है पानी, नालियां भी बह रही है, बही हुई है, तो इसका मतलब काफी बारिश हुई है। तो सर पड़ लेगा। पहुंच गए हम मुष्टिमानु मंदिर में। कल मुष्टिया बाबा ने बहुत कृपा बरसा रखी है, इधर को बारिश हुई है, क्योंकि मुष्टिया देवता को ही जल का देवता माना गया है। सोर घाटी के सभी लोग जल चाहिए फिर भी प्रार्थना करते हैं, अगर शादी ब्याह है बारिश नहीं होनी चाहिए फिर भी मुष्टिया देवा की प्रार्थना की जाती है। ये बन रहा है मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में। पहुंच गई हूँ मैं अपने घर के पास के मंदिर में। यहाँ पर है कैराल देवता का मंदिर, और ये वाला जो पेड़ है ना, ये पेड़ है काफल का, इसके नीचे बहुत सारे काफल गिरे भी हैं। कल यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो ये देखिए ये काफल गिर रखे हैं। अब हम तो पेड़ में चढ़ ही नहीं पाते हैं, अनीता है मेरे साथ, क्या पता वो चढ़ेगी तो फिर जाएंगे हम पेड़ में। फिलहाल तो हम अभी घर में चलते हैं। ये गिरे हुए काफल मैंने उठा लिए हैं और मेरे हाथों में ऐसे लाइनिंग पड़ी है। मेरे अम्मा कहती थी जब साधन में लाइन पड़ना ने बारिश हुई पत्तना, आज बारिश होने वाले से पत्थने, मतलब पुराने जमाने का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यही हुआ करता होगा। दिन के 1:30 बजे हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में जाना पड़ रहा है मुझे घर में। देखो ये है अनीता, ये है माँ भगवती वैष्णवी का मंदिर। जय माँ भगवती। यूछ नॉल में पहने पत्थर कद से ताल लगा रहा है, तो मैं जनाब नहीं आया दिखा दी तुम से, मैं दिल ले जा। खेत हो गए हैं खाली, सुबह बैल चल रहा है, कितना हो रहा है मरियल जैसा बेचारा। सुंदर सुंदर गुलाब खिले हुए यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ओह देखिए, पहुंच गई हूँ मैं दीदी लोगों के घर में और मैं आपको दिखाती हूँ तुलसी। मैं उस दिन यहाँ से तुलसी के पौधे ले गई थी और मैंने भी लगाए थे, मेरे भी अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए तुलसी का वृंदावन कैसा हो रहा है। जहाँ आजकल तुलसी का पौधा सूखा रहता है, दीदी लोगों के यहाँ देखो कितनी हरी हरी तुलसी हो रही है, और छोटी वाली और भी हो रही है यहाँ पर। दीदी मैंने सब पर लग, ये देखिए बिल्कुल सामने कितना सुंदर सुंदर सा दिख रहा है, पूरा एक गुरुंग पट्टी कहलाती है गुरुंग देश। दीदी ने लगा दिया है मेरे लिए खाना, ये देखिए दाल भात चटनी अचार चटनी भी इतना शानदार बना रखी है, खा लेते हैं अब खाना। यहाँ पर दीदी ने गमले में बना रखी है बैगन की पौधशाला, और बगल में है संतरा, और यहाँ पर है लेमन ग्रास, ये तो है मजेटी का फूल। यू बैंगन होने दीदी, बैंगन बैंगनों बैंगन। हिट पर अनिता
पानी आ जाया है नल में, सारे बर्तन भर रखे। और ये है शरीफा का पेड़ सामने, ये शरीफा, और उसके बगल में है लीची। अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ का नौला, देखते हैं कितना पानी है वहाँ पर। वैसे इस नौले में कम पानी रहता है, आज क्या पता भरा हो, तो दिखा लेते हैं आपको। आज तो नौला लबालब भरा है, वाह देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है। ये नौला जो है बहुत पहले बना दिया होगा, इसमें जो ये सीढ़ियां जैसा है, पहले के नौले ऐसे होते थे, लेकिन इसकी छत रिपेयर की हुई है। पानी अभी नल में आया, तो नल से भी पाइप से यहाँ पे पानी लगा रखा है, तो ये नौला भरा हुआ है। देखिए आगे बच्चे स्कूल से, कौन कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ, एट्थ, कहाँ पढ़ते हो? गुरुंगचौड़। और ठीक चल रही है आप लोग की पढ़ाई? हाँ, चलो फिर। हाँ, आज मैं जो काम खिना आ रही हूँ ना, ये सब काम खिना आ रही हूँ दूर, और दादा चल गए हैं उसको उतारने के लिए, लुट्टे को। आज मुझे यहाँ से ले जाना है घास, घास लेने के लिए इतनी दूर आना पड़ा। इसे लुट्टू उतारन पड़े पहाड़न में, पूरे लुट्टू उतारन पे पहली वो टुक का मैं चुगुलटी उल चढ़न पड़न ची, फिर से वो बार पूरे उधर जब अनिता जट्टू चून जट्टा है यहाँ। गाँव घर में हम इसी तरह से मिल के काम करते हैं, सब सहयोग के लिए आ जाते हैं। हाँ फिर YouTube में आओगे ना? नमस्ते, ठीक हो? तो यहाँ पर पता भी नहीं चलता है कि काम कैसे खत्म हो गया। और आज लुट्टू उतार रहे छे दादा, दीदी लैंड सुपरविजन कर रहे हैं। दीदी ले काट रख से, दीदी ना बीमार जन बहुत सुगड़ा। ओ ना ना काट तो तुम ले रख से, यू आप काट था, काट था भाई, आराम में लुटे ले पकड़। अब हम कर लेते हैं, अपने पार्टी वाले ने पकड़ अब होता है ना। कौन सी पार्टी है ये? फैंटा पार्टी। उनने तो मुंह छुपा दिया। वो बात नहीं, पर उनको बिल्कुल साथ दिख रहा, साथ हम चमकीली साथ आया। हां वीडियो हां इधर है, देखा शर्शा गल छ मिल। अब मैं दीदी उन मेरेन पुजून किन नू नू बल मीटी ना हमने, मुझे जबरदस्ती लून मरियो। ये है वैष्णवी मैया का दरबार, आज तो यहाँ पे ताले लगा रखे हैं। वैसे ही हमने बाहर से दर्शन कर लिए मैया के, बहुत ही शांति और यहाँ पर, और दीदी आए हैं यहाँ पर छोड़ने के लिए मुझे। अब चलते हैं हम घर की तरफ। जय हो मैया। मैया के दर्शन करने के बाद अब मैं जाती हूँ गाड़ी की तरफ, और वहाँ पर अब घास ना रख लेते हैं, मौसम भी ख़राब हो रहा है। इतना बड़ा काफल का पेड़ है, मैं तो चढ़ ही नहीं पाऊँगी, चढ़ पाती तो कुछ तो पके ही हैं इसमें, लेकिन खाली ठहरा, अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत। अब हमें लतासनु घास, ये लाल लाल फूल ना, इसको हमारी पहाड़ी भाषा में चलमोड़ा कहते हैं, चलमोड़ को ना हमारे यहाँ, और जाके और ले कैसे करना, कदू निक दिख रहा है ना एक फूल, कितना अच्छा लग रहा है ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। गाड़ी हमारी हो गई है तैयार, अब हम इसको बांधते हैं रस्सी से, इले जा काटरी खान खाना। और जंगलन में आग लगना मेन कारण यही है, जब ये कांटे जलाए जाते हैं तो यही आग उड़ के फिर इधर उधर फैल जाती है। इले नाम से शिलिंग में, और इले चबूतरा बनाना छे, पहले इले शिलिंगो रूख थे छालता, अभी सूख के गिर चुका है, तो एक पेड़ यहाँ पर लगाया जा सकता है। हो गई है हमारी वापसी, और आज यूटिलिटी में बैठने का भी आनंद अच्छा ही आ रहा है, काफी ऊंची लग रही है कार से। अब हो चुकी है हमारी वापसी, हमने घास वगैरह डाल लिया है, तो ये तो बिल्कुल छुप गई है, सो गई है। हम चलते हैं अब घर की तरफ, अब सीधे मिलते हैं आपसे वड्डा में। आज बहुत दिनों बाद मामी आई, तो बोल दो सभी को हाय बाय। भाई हाय, अभी आई एम बिजी, आई एम बिजी अभी। अभी हम चार कट्टे में भूसा ले जाऊंगी, पिछले दिन का भी आप, कट्टे पहले पिछले दिन का आपने खुद ही दे रहे हो क्या गिफ्ट? 15 कट्टे। अब गिफ्ट क्या करूं, गिफ्ट तो मेरे को दे ही दे रही थी, एक भी मिलता तो मैं एक गिफ्ट ही दे देती, गिफ्ट तो वहां कुछ भी नहीं मिलता। चलो फिर चलो, अब हम पहुंच गए हैं घर, और हमें लो उतार आयल छे घास, अनीता आप बुकन बह गए। यो ये मिल लिए वीरा से, वीरा सभी को नमस्ते बोलो, वीरा सोन नमस्ते, कैसी हो?
चल कुछ कुछ सुना दे फिर गाना वाना। कोई भी जो आता है तुझे। नहीं आता है। नहीं आता। ये अपना अपना नाम बता दो गाइस को। क्या नाम है आपका? मैं यहाँ देखना ऊपर है। क्या नाम है? सुनंदा। सुनंदा। अच्छा बीरा किसका नाम है फिर? मेरा। दोनों नाम, दो नाम शक लेती है तू। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है नए घर में? कैसा लग रहा है? आपका सीक्रेट रूम भी है। कब देखेंगे हम? आज देखेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको, आज भैया लोग नए घर में आ गए हैं अपने। आपको बहुत बहुत बधाई हो, अक्षय तृतीया का बहुत शुभ दिन। आंटी बहुत बहुत बधाई हो। तन्नु बहुत बहुत बधाई हो। पीहू बधाई हो। यह है गौरव भैया लोगों का नया घर, आज इन्होंने इस घर में प्रवेश किया है, तो बहुत बहुत बधाई हो इनको।